चाचा चौधरी और मुच्छड़ दैत्य। एक दिन रास्ते में, साबू ये किसकी सिसकियों की आवाज आ रही है? साबू एक और इशारा करता है, चाचा जी इधर देखिए। एक छोटा सा आदमी एक पत्थर पर बैठा होता है। चाचा चौधरी उससे बात करते हैं, क्यों भाई तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? मैं पाताल लोक के सूर्यमुखी जाति का राजकुमार हूँ। मेरी पत्नी स्वप्ना को मुच्छड़ दैत्य उठाकर ले गया है। फिक्र ना करो राजकुमार, साबू तुम्हारी पत्नी को रिहा करवाएगा। साबू राजकुमार को अपने हाथ पर उठा लेता है। हमें तुम अपना दोस्त समझो साबू। और साबू राजकुमार के बताए अनुसार वहाँ से चल देता है। आओ देखें ये मुच्छड़ दैत्य है कौन। एक गुफा के नजदीक पहुँचकर, वह उस गुफा में रहता है। साबू गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। लगता है वह बाहर गया है। राजकुमार की पत्नी, अरे तुम यहाँ क्यों आए? मुच्छड़ दैत्य तुम्हें मार डालेगा। फिक्र मत करो, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है। तभी अचानक गुफा में अंधेरा हो जाता है। अरे ये एकाएक अंधेरा कैसे हो गया? मुच्छड़ दैत्य आ गया है, जान बचाने के लिए भागो। गुफा के बाहर मुच्छड़ दैत्य, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुच्छड़ दैत्य साबू पर हमला कर देता है। ओहो, साबू जमीन पर गिर पड़ता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। साबू बिजली की तरह मुच्छड़ दैत्य पर झपटता है। साबू का एक जोरदार घूसा और मुच्छड़ दैत्य चित्त हो जाता है। मुच्छड़ दैत्य मर गया, पिंजरे से बाहर आओ। और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चल देता है। सचमुच तुम्हारा दोस्त साबू बड़ा बहादुर है। साबू